नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सहायक परीक्षण अधिकारी, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एवं अधीक्षक उद्यान, सुपरिटेंडेंट गार्डन भर्ती परीक्षा 2021 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड इवेंट्स के अंतर्गत व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। 11 फरवरी 2021 जॉइंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2020-2021 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एंड सुपरिटेंडेंट गार्डन। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 11 फरवरी 2021 विस्तृत विज्ञापन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। आयोग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा नियम 1954 के अंतर्गत सहायक परीक्षण अधिकारी, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के पदों तथा राजस्थान हॉर्टिकल्चर सेवा नियम 1962 के अंतर्गत अधीक्षक उद्यान के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार रहेगी। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के कुल 4 पद हैं, जिनमें से 4 पद अनरिजर्व्ड कैटेगरी के निर्धारित किए गए हैं। SC ST OBC MBC और EWS का कोई भी पद यहाँ निर्धारित नहीं किया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ LD और CP का एक पद निर्धारित किया गया है। सुपरिटेंडेंट गार्डन का कुल पोस्टों की बात करें तो 1 है, जिसमें 1 पोस्ट जनरल की निर्धारित की गई है। इसके अलावा SC ST OBC MBC और EWS का कोई भी पद यहाँ निर्धारित नहीं किया गया है। अब बात करेंगे हम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के लिए अभ्यर्थी के पास MSc इन जियोलॉजी और या MSc इन केमिस्ट्री के में पास आउट होना चाहिए। अर्थात ऐसा अभ्यर्थी जिसने जियोलॉजी के अंदर मास्टर ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त की है और केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की है और इसके साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ सॉइल एग्रीगेटेड्स एक्सेट्रा इन केस ऑफ आइदर MSc जियोलॉजी और MSc केमिस्ट्री। तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है टेस्टिंग ऑफ सॉइल्स या एग्री गेट एक्स्ट्रा के अंदर। पद संख्या 2 सुपरिटेंडेंट गार्डन के अंतर्गत अभ्यर्थी में आवेदन करने हेतु BSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर, यहाँ स्पष्ट किया गया है BSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर एज स्पेशल सब्जेक्ट एंड पजेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल गार्डन्स। तो यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है ऑर्नामेंटल गार्डन में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त BSc एग्रीकल्चर विथ हॉर्टिकल्चर में BSc होनी चाहिए और इसी के साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर शैक्षणिक जो योग्यता है निर्धारित की गई है। पे मैट्रिक्स लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पद क्रम संख्या एक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल है L14 और पद क्रम संख्या 2 के लिए है पे मैट्रिक्स लेवल है L12। मासिक वेतन की बात करें तो परिवीक्षा काल में नियत जो मासिक वेतन है दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/1/2022 से होगी और न्यूनतम आयु गणना की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष और अधिकतम आयु होगी 40 वर्ष। विभिन्न जो वर्ग हैं उनमें आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहाँ किया गया है। तो अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला को अधिकतम आयु सीमा का यहाँ कोई निर्धारण नहीं किया गया है, यानी किसी भी अधिकतम आयु वर्ग की जो महिला है इसमें आवेदन कर पाएंगी। अन्य वर्गों में भी छूट का प्रावधान किया गया है जिसके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। अब बात करेंगे हम चयन प्रक्रिया के संदर्भ में। अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। सर्वप्रथम समीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40% भारांक की गणना होगी। 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। अकादमिक भारांक होगा 20 अंकों का, साक्षात्कार का भारांक होगा 40 अंकों का, कुल पूर्णांक होंगे यहाँ पर 100 अंक का। यानी समीक्षा परीक्षा होगी, अकादमिक रिकॉर्ड होगा और साक्षात्कार होगा, सबको मिलाकर 100 अंकों का जो प्रश्न पत्र है पूरा कम्प्लीट रहेगा। समीक्षा परीक्षा के संदर्भ में स्थान और तिथि के बारे में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। समीक्षा परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो सभी प्रश्न प्रश्ननिष्ठ प्रकार के होंगे और विस्तृत जो पाठ्यक्रम होगा जल्द ही आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि की अगर हम बात करें तो 17 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक हम आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम जाने तो rpc.rajasthan.gov.in के माध्यम से विद्यार्थी अपने SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अवलोकन किया जाएगा। अब बात करेंगे हम परीक्षा शुल्क के संदर्भ में। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, राजस्थान की क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹350 निर्धारित किए गए हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹250। निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है के आवेदकों हेतु ₹150 निर्धारित किए गए हैं। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति हेतु परीक्षा शुल्क ₹150 यहाँ निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से हमने परीक्षा शुल्क के संदर्भ में जानकारी ली। तो इस विज्ञप्ति के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ की। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए, न्यू वैकेंसीज के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए RPSC व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर यहाँ पर दिए गए हैं तो इन पर भी हम संपर्क कर सकेंगे। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है के संदर्भ में भी विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।